थे वो या तो महादलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। शून्यकाल शुरू होने के पहले विपक्षी सदस्यों ने ये मामला उठाते हुए वेल में आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि शोर शराबे के बीच ही सदन की कार्यवाही चलती रही। प्रश्नकाल समाप्त होते हिमालय के सत्यदेव राम ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का मुद्दा उठाया। हड़ताल कर रहे शिक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए विधायक ने कहा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विस अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये तो पुराना मामला है, इस पर विपक्ष के अन्य सदस्य अपनी सीट से खड़े हो गए। राजद कांग्रेस वामदल के सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे सदस्यों का कहना था कि सरकार ने शिक्षकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कई दिनों से शिक्षक हड़ताल पर हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। सरकार को नरमी दिखाते हुए समान काम के बदले समान वेतन देना चाहिए। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही शून्यकाल और फिर ध्यानाकर्षण भी हुआ। शोर शराबे में ही माले विधायक कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किए जाने की भी आलोचना की तख्ती लिए हुए लोग खड़े हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई उसमें भाग लिया। वैसे सभी माननीय सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता है अपनी तरफ से कोई भी बात रखने को, लेकिन हम तो एक ही आग्रह करेंगे कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को तो सुना है लोगों ने, लेकिन कभी वक्त मिले तो पढ़ के भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग जो बोल देते हैं अपराध के मामले में या किसी चीज के मामले में, तो इस पर तो पूरी चर्चा होगी। जब अलग अलग विभागों पर चर्चा होती है तो अंतिम दिन तो गृह विभाग पर भी चर्चा होती है, तो उसमें जब पूरी चर्चा होगी उसमें सारी बात आएगी। मैं तो सिर्फ एक ही बात लोगों के ध्यान में ला देना चाहता हूं कि जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति पर जो चर्चा की है, उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर 16 के बाद बहुत विलंब से जारी हुआ है 17 का, और 17 के बाद 18 का जारी हुआ है बिहार में। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 के अपराध आंकड़े के अनुसार दर्ज संज्ञेय अपराधों की राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख की जनसंख्या पर 383.5 है, और उसकी तुलना में बिहार में 1 लाख की जनसंख्या पर जो अपराध का औसत है बिहार में, देश भर में 383.5 है औसत, और बिहार का औसत है 222.1। और अपराध दर के आधार पर देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का स्थान 23वां। इस सब बात को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन वैसे चर्चा करने के लिए तो कुछ भी कर दीजिए, इस देश में 23वां स्थान अपराध, जो संज्ञेय अपराध की जितनी घटनाएं घटती है। तो खैर, कभी इस पर और डिटेल चर्चा करनी है, हम पिछली बार भी चर्चा कर चुके, खूब गौर से सुनेंगे, जो वस्तु स्थिति रहेगी उसकी भी जानकारी दे देंगे, लेकिन ये तो सबको गौर करने वाली बात है। अब हम कुछ चीजों के बारे में बताना चाहते हैं कि भाई आखिरकार सरकार ने जो काम किया, और एक तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, और दूसरा कल जो माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में बहुत सारी बातों की चर्चा की है, उसको भी कभी गौर से पढ़ लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, बोलने के लिए तो सब जो भी इच्छा हो बोलिए। अब आप जान लीजिए कि जो 7 निश्चय की बात हम लोगों ने कही और उस पर जो काम शुरू किया, तो उसमें 24 फरवरी 2020 तक इन योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की हम जानकारी दे देना चाहते हैं। जो पहला था
युवाओं से संबंधित आर्थिक हल, युवाओं को बल, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसका 5 कंपोनेंट, उसमें 73,141 छात्र छात्राओं को 850,76,00,000 रुपए का ऋण वितरित किया गया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, 4,14,510 युवाओं को 497,10,00,000 रुपए वितरित किए गए। कुशल युवा कार्यक्रम, जो कुशल युवा कार्यक्रम की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कंप्यूटर पर काम करना लोग सीखते हैं, भाषा के बारे में भी उनको बताया जाता है और व्यवहार कौशल, किस तरह से व्यवहार किया जाए इसके बारे में जो हम लोग उनको पूरा प्रशिक्षित करते हैं। और कुशल युवा कार्यक्रम में पूरे बिहार में 1,717 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं, संचालित हैं। अब तक 9,50,264,00,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और अभी 89,406 युवाओं का प्रशिक्षण जारी है। फिर 500 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का गठन और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई, इसका भी काफी, इसमें 11,712 आवेदन प्राप्त हुए, उस पर आखिर काम आगे बढ़ता चला गया। 1,381 स्टार्टअप इंक्यूबेशन हेतु होस्ट संस्थान के साथ संबद्ध किया गया, बहुत लोगों को दिया गया, किन्हीं को प्रथम किस्त का, किन्हीं को द्वितीय किस्त का भी भुगतान किया गया है। और जो सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो हम लोगों ने कहा था कि निःशुल्क वाईफाई की सुविधा देंगे, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका फायदा लोग उठाएंगे, तो 320 से अधिक संस्थानों में ये उपलब्ध करा दिया गया। और अभी प्रति संस्थान, हर संस्थान में औसतन 284 यूजर निःशुल्क वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं। तो एक जो हम लोगों का निश्चय था उसके अंतर्गत ये हुआ। और दूसरा तो सबको मालूम है कि महिलाओं को 35% आरक्षण तो फरवरी 2016 से ही लागू कर दिया गया। फिर तीसरा था हर घर बिजली, निर्धारित समय सीमा थी दिसंबर 2018, उसके 2 माह पूर्व अक्टूबर 2018 में ही सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कर दिया गया। 1,19,00,000 इच्छुक घर थे, उनको प्रदान कर दिया गया। और बिजली की स्थिति की बात कर दी जाती है, लेकिन याद जान लीजिए कि 2005 में पूरा जो बिजली की खपत थी पूरे बिहार में वो थी 700 मेगावाट या मांग कह लीजिए, और अब वो बढ़कर हो गई है 5,891 मेगावाट। इन्हों को जानना चाहिए। फिर उसके बाद हमने कह दिया था कि जितने हमारे पुराने जर्जर तार हैं उनको बदला जाएगा, और ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जर्जर तार को भी बदल दिया गया और इसके अंतर्गत 72,331 किलोमीटर जर्जर तारों को बदला गया, जिसमें 3,070,23,00,000 रुपए खर्च किए गए। अभी जो दिल्ली की बात हो जाती है, या दिल्ली में अभी जो घटना घटी, आग जो लगी, तो जरा दिल्ली के मुख्य सड़कों को छोड़कर के अंदर में चले जाइएगा, राजधानी है, और जाकर के जरा देख लीजिए कि किस तरह के जर्जर तार हैं, एक साथ 4-5 तार लटका हुआ है और उसी में घटना घटती है। तो ये स्थिति समझ लीजिए। और हम लोगों ने अपने बिहार में, एक पिछड़ा राज्य है, एक गरीब राज्य है, बहुत ज्यादा आबादी वाला राज्य है, और वहां हम लोगों ने सारे जर्जर तार को बदल दिया। और उसके बाद एक संकल्प लिया कि भाई हम लोग कृषि फीडर के माध्यम से जो इच्छुक किसान हैं उनको बिजली की आपूर्ति करेंगे। उस पर भी काम, जो पिछले वर्ष का तारीख तय किया गया था कि उस समय तक जिनका आ जाएगा एप्लीकेशन उसको पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद जो होंगे उसको इसके बाद पूरा किया जाएगा। तो जितना लोगों का था उसका तर्क लक्ष्य हम लोगों का कि 2020 के मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। और इस कार्य के लिए, जो कृषि फीडर के लिए, हम लोगों ने 5,827,23,00,000 रुपए की राशि स्वीकृति दी है, और इसके तहत निर्माणाधीन 267 विद्युत उपकेंद्रों में से 202 एवं 1,312 पृथक फीडरों में 1,000
114 का निर्माण किया जा चुका है और वर्तमान तक 1,36,500 किसानों को विद्युत संपर्कता प्रदान की गई। यानी पूरा तेजी से वह काम भी हम लोग कर रहे हैं और कृषि कार्य के लिए हम लोगों ने बिजली का दर घटा करके मात्र 75 पैसा किया। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 पद तक हम दे देंगे इसको और बिजली मुफ्त में, अब उसकी क्या स्थिति होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और इतना हम लोग जो पर्यावरण के लिए सारा काम कर रहे हैं लेकिन मात्र 75 पैसा, आप कल्पना कर लीजिए, मात्र 75 पैसा में दे रहे हैं हम लोग, आपूर्ति कर रहे हैं एक यूनिट का। और अब जब इतना सब कुछ कर दिया है तब हम लोगों का जोर है सौर ऊर्जा पर और उस पर बहुत तेजी से काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत उसका काम शुरू हो गया। अब नल का जल, अब जरा ठीक से सुन लीजिए आप लोग, हर घर नल का जल जो हमारा है 4th निश्चय, अब जरा उसकी जानकारी जान लीजिए। ग्रामीण व शहरी वार्डो में निर्माण की स्थिति हम बता देते हैं। पंचायती राज वार्डो में लक्ष्य कितना है, 58,326 वार्ड का लक्ष्य है और काम पूरा हो चुका है 38,410 वार्ड में। कार्य जारी है 19,324 वार्ड में और प्रक्रियाधीन है, अब मात्र बचा है 582 वार्ड। और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका है वहां पर उसके माध्यम से कर रहे हैं। और किसी भी पंचायत के कुछ वार्ड गुणवत्ता प्रभावित थे वहां पूरे पंचायत के लिए हम लोगों ने जिम्मा पीएचईडी को दिया कि आप ही इस काम को करिए। तो अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पास लक्ष्य दिया गया था जो ग्रामीण वार्ड है 56,079 और काम पूरा हो चुका है 9,600 वार्ड में। काम जारी है 42,754 वार्ड में और प्रक्रियाधीन है मात्र 3,725 वार्ड। ये रूरल एरिया की बात हो गई। अब अर्बन एरिया की बात सुन लीजिए। नगर विकास एवं आवास विभाग, इसका वार्ड का पूरा लक्ष्य है पूरे बिहार में 3,370। काम पूरा हो चुका है शहरी इलाकों में भी 1,099, काम जारी है 1,832 और प्रक्रियाधीन है मात्र 439। तो कुल मिलाकर के कितने वार्ड में काम करना था शहर और गांव का मिलाकर के, 1,17,775। काम पूरा हो गया है 49,109, काम जारी है 63,920 और प्रक्रियाधीन है 4,746। ये स्थिति है और हम लोगों का लक्ष्य है कि जून तक ये सब काम को पूरा करा देंगे। घर तक पक्की गली है, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह हमारा 5th निश्चय है। पंचायती राज में लक्ष्य वार्ड का है 1,14,691 और उसमें से 75,701 वार्ड में काम पूरा हो गया, 25,277 वार्ड में काम जारी है और प्रक्रियाधीन है 13,713 वार्ड। नगर विकास और आवास का लक्ष्य 3,371, काम पूरा हो गया है 1,103, काम जारी है 2,238 और प्रक्रियाधीन है 30। अब ये जान लीजिए लक्ष्य, उसको भी इस साल हम लोग दिए हुए हैं टारगेट कि जून तक हम लोग पूरा कर लेंगे। और इसके अलावे टोला संपर्क योजना, ग्रामीण टोला संपर्क योजना, इसमें कुल लक्षित 4,683 टोले थे, 4,133 टोलों के पथों का निर्माण कर संपर्कता दी जा चुकी है। अब शेष 510 टोलों पर कार्य प्रगति है। इसमें 346 टोलों की योजनाएं मार्च 2020 तक पूर्ण की जाएगी। शेष 164 टोलों के लिए रैयती भूमि की सतत लीज पर लेने की कार्रवाई जारी है और इन योजनाओं को जून 2020 तक पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है। अब शौचालय निर्माण, घर का निर्माण, अब घर का सम्मान,
सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाए और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन बनाने का था अवसर बढ़े आगे पढ़े। कितने इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो गई, सभी संस्थानों को, सभी संस्थानों की स्थापना हेतु लगभग सभी जगह चिन्हित कर ली गई है, संस्थान की स्थापना की जा रही है, भवन निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में है। 7 निश्चय के अंतर्गत 33 पारा मेडिकल और 5 फार्मेसी संस्थानों की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक जिले में जीएन संस्थान के अतिरिक्त 38 के विरुद्ध 10 जिलों में संचालित, 5 जिलों में निर्माणाधीन, 20 जिलों में निविदा की प्रक्रिया में, 2 जिलों में DPR का निर्माण और 1 जिले बेगूसराय में भूमि चिन्हित की जा रही है। प्रत्येक अनुमंडल में ANM संस्थान की स्थापना के अंतर्गत कुल लक्ष्य 101 के विरुद्ध 47 अनुमंडलों में पूर्व से संचालित 52 स्थलों की निविदा प्रक्रियारत एवं 2 स्थलों पर डुमराव एवं तेघड़ा भूमि का चयन किया जा रहा है। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज के पठन पाठन हेतु सत्र संचालित हो गए हैं। 15 जिलों में अपने भवन में पढ़ाई हो रही है। शेष 23 जिलों में भवन निर्माणाधीन है जहां पढ़ाई अस्थायी परिसर से की जा रही है, भवन का निर्माण चल रहा है और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया 38 जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान में पठन पाठन हेतु सत्र संचालित है। 19 जिलों में अपने भवन से पढ़ाई, 12 का निर्माण पूर्ण, 6 जिलों में भवन निर्माणाधीन और 1 जिला जहानाबाद में भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है। सभी 101 अनुमंडलों में ITI के पठन पाठन हेतु सत्र संचालित है। सभी 38 जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी महिला ITI में पठन पाठन हेतु सत्र संचालित है। 7 जिलों में अपने भवन से पढ़ाई, 7 का निर्माण पूर्ण, 22 जिलों में भवन निर्माणाधीन तथा 2 जिले गोपालगंज एवं लखीसराय में भूमि हस्तांतरण प्रक्रियारत है। अब ये 7 निश्चय का एक एक डिटेल हमने आपके सामने बता दिया और लक्ष्य रख दिया। जो काम करने का वादा किया जाता है उस काम को पूरा करना हम लोगों का लक्ष्य होता है। अब आपको हम कितनी बातों की जानकारी दें, अब जो हम लोगों ने कितना काम शुरू करवाया, अनेक स्तंभ काम शुरू किया, जितना भी छात्रावास, सरकारी छात्रावास अनुदान, मुफ्त में 15 किलो भोजन, 1000 रुपए का प्रतिमाह करना और जितने हमारे पुराने अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के जर्जर स्थिति में है, 19 नए भवनों का तथा 14 छात्रावासों को विशेष मरम्मती हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। हर प्रकार से शुरू किया, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, बताइए हरेक ग्राम पंचायत में 5 परिवहन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। 3 दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति को और 2 अति पिछड़े वर्ग को। कितना इसका काम पूरा हो चुका है, 41,930 के विरुद्ध 22,500 लाभुकों को अनुदान वितरित किया गया। अब इस योजना में ई रिक्शा को भी शामिल किया गया। कौन सी जितनी स्कीम्स हैं, हर तरह से अब जो केंद्र सरकार के द्वारा एक जो संचालित है अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना जो अनुसूचित जाति के लिए छात्र छात्राओं के लिए है, उसमें है कि जिस परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपए तक है उनको मिलता है और अन्य पिछड़े वर्गों में यह मिलता है उन परिवारों तक जिनकी आमदनी है 1.5 लाख रुपए का। तो उसमें हम लोगों ने तय किया कि अति पिछड़े वर्ग के लिए भी 2.5 लाख की आबादी तक के, 2.5 लाख की आमदनी तक वाले परिवार के बच्चे बच्चियों को देंगे और यह हम लोगों ने अपनी तरफ से इसका काम शुरू कर दिया है, इसकी योजना हम लोगों ने कर दिया है। जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति है उसी के तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए यानी 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की आमदनी वाला जो परिवार है उनके बच्चे बच्चियों को ये छात्रवृत्ति अब राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब जो कई प्रकार का प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसका नाम छूट गया उसको मुख्यमंत्री आवास योजना से हम लोग करने जा रहे हैं, उनको भी 1,20,000 रुपए का, जो 96 तक का पुराना जिसका जर्जर हो गया उसको बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर नाम है लेकिन उसके पास जमीन नहीं है तो उनको जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपए का प्रावधान कर दिया गया, इसका लाभ ले लीजिए। जरूरत पड़ेगा तो मैं बताना चाहता हूं कि उसकी उसको और बढ़ाया जा सकता है। और हम लोग चाहते हैं कि सबको मकान बन जाए, सबका आवास बन जाए, और बचे हुए लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस काम को कर रहे हैं। और एक लोग, अरे जमीन कहां से मिलेगा आपको सबको? अरे बैठिए ना, आप मालिक हैं, आपका तो काम है ऐसे ही बोलते रहने का। मालिक माले को कुछ पता है? इनको बैठाइए जरा, हम अभी अब बताते, अब सुनिए जरा। आप ये बैठिए, आपको आप बताया अभी ना। अरे इन लोगों का काम सब हम लोग कर देते हैं, लेकिन रोज कुछ बोलना। ठीक है, आप तो कर लिए, हम तो बैठ जाइए। अरे तो आप सूचना दे दिए ना, बैठ जाइए ना, अब बैठ जाइए। ठीक है, और कुछ बोलना है? फिर बोलना है? अरे एक बात बैठ जाइए और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। मुख्यमंत्री, अपने बिहार की स्थिति को सबको समझना चाहिए। ये जो बिहार का क्षेत्रफल है या किसी राज्य का क्षेत्रफल है वो तो नहीं ना बदलेगा। 94,000 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी कितनी हो गई है? अब 12 करोड़ के करीब हो गई होगी, जनगणना होगा तब पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होगी। जितना इसका बढ़ता है रेट जो रहता है उसके हिसाब से लगभग हो गया होगा। अब आप जरा कल्पना कर लीजिए, आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन तो वही सीमित है। आप लोग अगर खाली कहिएगा कि इतना इतना जमीन दो तो कुछ आसमान से आ जाए जमीन, तभी ना दीजिएगा। ये सब सिवाय जिसको कहिए बकवास के, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, अगर बकवास उचित नहीं है तो हम वापिस ले लेंगे, लेकिन है ये बकवास। जब कोई डिमांड करता है कि इसको इतना जमीन दीजिए, अरे जमीन रहेगा तब ना कोई देगा। जमीन है ही नहीं इस बिहार में, तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग कि पैसा देंगे कि वो जमीन खरीद ले। आप कहां से जमीन लाइएगा? जमीन के एक्विजिशन का रेट क्या है? और रेट बढ़ता चला जा रहा, इसलिए आदमी को आप पैसा दीजिए और घर बनाने के लिए उसको अभी 60,000 दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम उसको 1,00,000 भी दे देंगे। लेकिन जमीन खरीद लो भाई, जमीन खरीद लो, और आवास के लिए 1,20,000 रुपया दे रहे हैं। आप जा करके लोगों को कहिए, लेकिन आप तो कहिएगा नहीं, आपको तो जुलूस में आना है, आपको तो जुलूस में सबको लेके आना है। अब चलिए, अब दूसरी चीज हम बता दें, जो योजना हम लोगों ने शुरू की उनको छोड़ दी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अब इसमें क्या हम लोगों ने किया था कि 10,00,000 रुपए तक की सहायता देंगे, 5,00,000 रुपया ब्याज सहित ऋण और 5,00,000 रुपया अनुदान देंगे। ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और उसके बाद अब इसका विस्तार कर दिया गया अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी, अति पिछड़े वर्ग के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया, और अब इसका नामकरण हो गया मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के रूप में। अब सोच लीजिए, और ये तो 10,00,000 तक का मदद की बात हुई, 5,00,000 का अनुदान और 5,00,000 ब्याज रहित ऋण, और ऋण जो ब्याज रहित है 3 खंड में पैसा उनको मिलता है, 3 खंड में पैसा मिल जाएगा। जब पूरा पैसा मिल जाएगा, काम शुरू कर दिया, तो उसके 1 साल के बाद जो ब्याज रहित ऋण है उसको 84 खंड में किस्तों में लौटाएंगे। वर्षों वर्षों तक वो अवसर दिया गया, तो जरा जान लीजिए, जो ऋण भी दिया गया है ब्याज रहित वह भी एक प्रकार की सहायता है। कहीं दूसरी जगह से इस तरह का किसी को ऋण मिल सकता है जो ब्याज रहित हो और इतना समय उसको दिया जाता है? यानी कम से कम समझ लीजिए तुम 10 वर्ष मिनिमम, तो ये मामूली बात नहीं है। और उसका विस्तार अब अति पिछड़ा वर्ग के लिए कर दिया गया, इसलिए हर चीज के मामले में हम लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है। और कोई भी क्षेत्र में जिस चीज के बारे में हम लोगों ने जो बात किया है न्याय के साथ विकास का, उसको याद रखते हैं। अब सामाजिक विकास के बारे में जरा जान लीजिए, वृद्ध जन पेंशन योजना शुरू किया ना,
अब वृद्ध जन पेंशन योजना यानी किसी की जो भी आमदनी रहे, जो बचे हुए लोग हैं 60 वर्ष उनकी आयु हो गई हो स्त्री या पुरुष की, उनको राज्य सरकार पेंशन देगा। हम लोगों को जो उम्मीद थी कि कोई ये लगता है 25-26 लाख, लेकिन कुल आवेदन मिला 19 लाख। अब तक 19 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी इच्छा बहुत लोगों के लिए उपलब्ध है लेकिन इच्छा नहीं होगी, तो 19 लाख आवेदन हुआ जिसमें 14,21,000 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान कर भुगतान कर दिया गया। 2,10,000 आवेदकों को एक सप्ताह में स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। शेष लगभग 2,70,000 की स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है, अब जरा जान लीजिए। और कई जगहों पर यह होता है जो बायोमेट्रिक्स सत्यापन की बात है जिसमें उंगली का लोग लेते हैं, अब उसमें बहुत लोगों को है कि उसकी उम्र हो जाने के बाद वो मिल नहीं पाता है, इसलिए उनको ये अवसर नहीं मिलता। इसलिए अब हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बायोमेट्रिक्स सत्यापन में कतिपय मामलों में सफल नहीं हो सकने की स्थिति में प्रखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन की सुविधा भी दी जाएगी, फिजिकली मौजूद रहेंगे। वही सत्यापन हो गया कि इन्हीं को मिलना है, अब उसकी जरूरत बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी। और स्वीकृति की स्थिति अथवा पुराने पेंशनधारियों के पेंशन भुगतान की सही सही जानकारी हेतु अब प्रखंड स्तर पर जो लोक सेवा केंद्र है उसमें एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। किसी को कोई समस्या हो वो जो लोक सेवा केंद्र है प्रखंड के स्तर पर, वहां पर हेल्प डेस्क होगा। अब किसी को कोई कठिनाई नहीं, जिनको मिल रहा है उसको अगर किसी तरह की दिक्कत होगी वहां पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हर तरह से ये सुविधा हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक चीज है। अब स्वास्थ्य के बारे में आप जरा जान लीजिए कि स्वास्थ्य के बारे में कितना काम हुआ है जी। लोग तो ऐसे ही वहां आ रहे हैं चमकी बुखार पर, तो पूरी बात बता देंगे, मेरा फर्ज है। पिछले साल इस पर डिबेट हुआ और वैसे ही था बजट का, हम लोगों ने तुरंत कहा कि स्वीकार कीजिए और उस पर बहस हुई। उसके बाद जो काम किए, मेरा कर्तव्य बनता है ना कि हम जानकारी सदन को जरूर दे दें। शिक्षा जब इस पर बहस होगी स्वास्थ्य विभाग पर, वो तो और विस्तार से बताएंगे, लेकिन सीमित रूप में कुछ जरूरी चीजों के बारे में बता देना जरूरी है। सिर्फ हम एक आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। आप जान लीजिए 2005-06 में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो आउटडोर पेशेंट्स आते थे, उसका हम लोगों ने सरकार में आने के बाद ही तुरंत सर्वेक्षण कराया। एक सप्ताह में 39 लोग ही सिर्फ आते थे, यानी एक दिन में एक मरीज या कभी कभी एक के बजाय दो मरीज आ जाते थे। और अब प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब यह संख्या बढ़कर के हो गई है प्रति माह 10,000। जान लीजिए। अब दूसरी बात है, मातृ मृत्यु दर की क्या स्थिति थी। प्रति लाख जनसंख्या पर वर्ष 2005-06 में 371 थी, यानी प्रति लाख जनसंख्या पर कितने मातृ मृत्यु दर होते हैं, तो 2005-06 में 371 और वर्तमान में घटकर अभी आ गया है 165 पर। 2005-06 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जनसंख्या पर जो 61 थी, अब घटकर 35 हो गई है। 2005 में राज्य में कुल प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट 4.3 था, जो अब 16-17 में घटकर 3.2 पर पहुंचा है। वर्ष 2006 में औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेंसी 61.6 वर्ष था, अब 14 के आगे का आंकड़ा अभी नहीं केंद्र से जारी हुआ, 14 तक ही 2014 में यह बढ़कर हो गया है 68.1 वर्ष। अब जो ऐसे पता है, फॉर्मल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसकी जो रिपोर्ट आती है ये 70 के ऊपर जा चुका है। अब महिलाओं का उम्र ज्यादा है, पुरुषों का थोड़ा कम है, यह स्थिति है, जरा जान लीजिए औसत आयु के बारे में। और नियमित टीकाकरण जरा जान लीजिए, 2006 तक नियमित टीकाकरण मात्र 18% था और अब बढ़कर हो गया है 86%। और हम लोगों का लक्ष्य है कि संपूर्ण टीकाकरण कराएंगे और टीकाकरण के क्षेत्र में बिहार टॉप
फाइव स्टेट में रहेगा और उस पर काम हो रहा है। अब इसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, जिला अस्पताल, सब कुछ हुआ। अब एक चीज हम कहना चाहते हैं कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक भूमि सरकार को दान में दे सकते हैं तथा उक्त स्वास्थ्य संस्थानों का नामकरण उनके परिवार के द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जा सकेगा। वैसे जहां भी जमीन मिलती है बन चुका है, आप समझ लीजिए कुल स्वीकृत 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1399 कार्यरत है, 153 का निर्माण 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा शेष को 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 7 लाख रुपए की मदद भी मिलेगी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये सारे प्राथमिक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लोगों का निर्णय है। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र में, अब एक बात बहुत जरूरी है, जो AES है, एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम, जो मुजफ्फरपुर से संबंधित मामला था, 24 दिसंबर 2019 को मुजफ्फरपुर जिले के AES प्रभावित कांटी प्रखंड के पानापुर हवेली का हमने भ्रमण भी किया। जो जल जीवन हरियाली यात्रा में थे हम वहां गए जानबूझ करके, क्योंकि हमने ये कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराइए और जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इस घटना से AES से 5 ब्लॉक 5 प्रखंड मुजफ्फरपुर जिले का। तो हम एक जगह गए जहां पर यह घटना घटी थी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उस दिन हमने मीटिंग भी की, समीक्षा बैठक भी की। 2019 में मुजफ्फरपुर जिले में 731 बच्चे AES से प्रभावित हुए थे, जिसमें 111 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, 320 बच्चों को उपचारित करके बचाया गया था और 5 प्रभावित प्रखंड बोचहा, मोतीपुर, मीनापुर, कांटी, मुसरी, तो सबका आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया। अब जो स्थिति है, जान लीजिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट आई, हमने विभिन्न विभागों को वो जिम्मेवारी सौंपी कि ये काम करना है, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्थिति में सुधार आना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण विकास को जिम्मा दिया गया कि जीविका द्वारा छूटे हुए सभी योग्य 7082 परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया, यानी उसमें जो परिवार जुड़ा हुआ नहीं था उसको जोड़ने के लिए 7082 परिवारों को। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कुल 2578 परिवारों का चयन किया गया है। मार्च महीने के अंत तक उक्त प्रखंडों के समस्त योग्य परिवारों को रोजगार हेतु सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ दिया जाएगा। आप जानते हैं जो उनको मदद की जा रही है 60,000 रुपए से 1 लाख, कोई भी काम अपना करना शुरू कीजिए और उसके लिए काम हो रहा, हर परिवार के लिए 5 प्रखंड में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो निर्णय लिया, ऐसे ही खाली नहीं करते हैं, उसका एक एक काम हो रहा, उसकी समीक्षा की और ये अब पूरा का पूरा होगा। जीविका दीदियां, आशा और ANM की मदद से 13,194 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों एवं अन्य परिवारों को AES से बचने, खान पान पर ध्यान एवं चमकी बुखार होने पर क्या करें और कहां जाएं इसकी जानकारी दी जाएगी। कम्युनिटी रेडियो ग्राम वाणी की मदद से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जानकारी प्रदान की जा रही है। अभी तक लक्ष्य 29,598 के विरुद्ध 38,322 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति दे दी गई है। जो आवासहीन जितने हैं सबको आवास समूह को बना देना है, आप ये जान लीजिए। तो इतने को स्वीकृति 29,598 लक्ष्य के विरुद्ध 28,322 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति दे दी गई है और 20,377 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि विमुक्त कर दी गई है। शेष लाभार्थियों को आवास स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। AES प्रभावित प्रखंडों में बेसलाइन सर्वे में शामिल सभी
191,732 परिवारों को शौचालय से आच्छादित किया गया है। बेस लाइन से छूटे हुए सभी 37,825 परिवारों को भी शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण विभिन्न चरणों में। अब स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या किया गया, जो मुजफ्फरपुर आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, तो श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 62 करोड़ की लागत से 100 शैया वाले शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई मई 2020 तक कार्यशील कर दिया जाएगा। यानी किसी को कोई दिक्कत नहीं, जो बहुत ही सीरियस बीमार है उसको इसमें जो भरा जाएगा। पीआईसीयू पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके लिए 100 बेड का निर्माण किया जा रहा। हम तो गए थे वहां, देखा है, सारा काम चल रहा। अब एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, कार्यशील कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और आरएमआरआई जो केंद्र की संस्थान है, पटना में विरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब कार्यशील कर दिया गया। अब ये सब इतने लैबोरेटरी को भी कार्यशील कर दिया गया ताकि सब चीज की जानकारी, लोगों का टेस्ट हो जाए। तथा विशेषज्ञ सहायता हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु के साथ तकनीकी सहायतार्थ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। ये जो शराबबंदी लागू किए और उसके बाद जो पीते उते थे उनको दिक्कत हो रहा था, तो उसके लिए जो सब जगह हॉस्पिटल बनवाए थे उसके भी डॉक्टर्स को और सबको ट्रेनिंग करने के लिए हम यही भेजे थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज लागू करने के पहले ट्रेनिंग करा करके तब सब 38 जिला में इनको बहाल किए थे। उसी के साथ एग्रीमेंट किया कि किसी भी प्रकार का जो कुछ भी ट्रीटमेंट करना रहता है, व्यवस्था करनी रहती है, कोई टेस्ट करना हो, उसमें हर तरह का इंतजाम हुई हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है। और जिला प्रशासन की ओर से सभी ग्रामीण हाट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एवं मुख्य चौराहों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है एवं इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। अनेक जगह पर एम्बुलेंस रहेंगे ताकि किसी को कोई प्रकार की कठिनाई हो तत्काल वो अस्पताल उचित जगह पर पहुंच सके। और कार्य योजना के अनुसार अर्ली वार्निंग सेंटर स्थापित किया जा रहा जो एईएस प्रभावित मरीजों को शीघ्र पहचान में मदद करेगा। यह व्यवस्था सभी मरीजों तथा स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने एवं रेफरल सेवा में मददगार साबित होगी। और राज्य में जो दूसरा है जेई जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बचाव हेतु टीकाकरण शुरू किया गया है। अरे उनको समझ में आए या नहीं हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, जरा गौर से सुन लीजिए। ये जो गया और कई जगहों पर होता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, अरे भाई बोलना हो, अरे हम कह दिए ना, हम ही ने कह दिए। ललित जी, आप रविंदर जी की इच्छा क्यों पूरी कर रहे हैं? हाँ ठीक बात, सही। जापानी आप अच्छा से सुन रहे थे, धन्यवाद के पात्र हैं। जापानी सुनिए, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो गया वगैरह में इतना सुनने को जानने को मिलता था जेई, उससे बचाव हेतु उसका टीकाकरण कर रहे हैं अधिकांश जगहों पर। और ये टीकाकरण जेई से बचाव के लिए, जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए जो टीकाकरण हो रहा है, वो टीकाकरण 77.31% बच्चों को किया गया है। और अगले 2 महीनों में लक्ष्य है कि संपूर्ण टीकाकरण पूरे बिहार में करा दिया जाएगा जेई का। तो इसलिए ऐसा मत समझिए, कोई बीमारी होती है तो हम लोग उससे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर गौर करने के बाद जो भी संभव है वो काम करने की। इसके बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को जिम्मा दिया गया कि खाद्य आपूर्ति के लिए जितने परिवार उन 5 प्रखंडों में छूटे हुए हैं उनकी सूची तैयार कीजिए। तैयार कर दी गई, पंजीकरण का कार्य भी किया गया है और विकास मित्रों की मदद से विशेषकर महादलित परिवारों की सूची तैयार की गई और कैंप लगाकर 20,668 योग्य परिवारों को राशन कार्ड का वितरण किया गया है।
प्रखंडों में क्या था, जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया तो वहां की जो स्थिति पता चली उसके बाद एक एक काम करवा रहे हैं कि कोई भी आदमी ये राशन कार्ड की दिक्कत नहीं हो, तो इस तरह से किया गया। फिर शिक्षा विभाग में नामांकन योग्य सभी बच्चों की सूची तैयार की गई, ड्रॉप आउट पर जो छोड़ करके निकल गया उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और विभाग द्वारा उप प्रखंडों के उन 5 प्रखंडों के सभी विद्यालयों में सभी विद्यालयों में, अब आप जान लीजिए, शिक्षा विभाग के द्वारा वो 5 प्रखंड के जितने विद्यालय हैं जिसमें मध्यान्ह भोजन होता है, उस मध्यान्ह भोजन के साथ उन 5 प्रखंडों में सभी बच्चे बच्चियों को दूध उसके साथ देने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। यानी बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जो दिया जाता है मध्यान्ह भोजन, उसमें दूध भी उन सब लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो ये जरा जान लीजिए एक एक चीज। और फिर समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये प्रभावित 5 प्रखंडों में कुल 1671 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। अब उसमें जो छूटे हुए थे सभी योग्य बच्चों के पंजीकरण हेतु, उसके अतिरिक्त यानी 1671 आंगनबाड़ी केंद्रों के अतिरिक्त 303 नए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही कैंप के माध्यम से पोषण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। आप ये समझ लीजिए हर घर नल का जल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा कुल 261 वार्डों के विरुद्ध 241 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 20 कार्डों में वार्डों में कार्य प्रगति पर है। पंचायती राज विभाग के द्वारा कुल 1429 वार्डों के विरुद्ध 810 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 588 वार्डों में कार्य प्रगति पर है, यानी हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। 38 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जाना है, सभी वार्डों में यह कार्य मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि जब घटना घटती है, वर्षों से घट रही है एईएस की, लेकिन इस बार जो हम लोगों को चिंता हुई और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद हम लोगों ने कार्य योजना बना करके उसका क्रियान्वयन इस तरफ से किया जा रहा है। इसलिए जरा इन बातों को भी गौर करिए। बोलने के लिए तो स्वतंत्रता है। अब कहीं के लिए भी किसी के लिए भी बात करें तो कितना ज्यादा है शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति थी जब हम लोग काम संभाले थे, 12.5% बच्चे स्कूलों से बाहर थे, बच्चे बच्चियां। अब उनको लाने के लिए कितना स्कूल बनवाया, कितने टीचर का रिक्रूटमेंट किया, क्या नहीं हम लोगों ने किया। 21,264 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 16,346 नए भवन बनाए गए। बहुत सारे भवन में भवन के साथ ही एक्वायर किया जाता है या लिया जाता है। 16,346 नए विद्यालय भवन बनाए गए, शेष नजदीक के स्कूल अन्य भवनों में संचालित हैं। 19,625 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, और साथ ही प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 2,77,403 अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाए गए। अब आप जरा बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में सबको पढ़ाने के लिए 12.5% बाहर रहता था, अब 1% के अंदर है, और उन लोगों की स्थिति को देखते हुए ही सारा काम जो किया गया, क्या काम किया गया, टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक, ये सब के माध्यम से जो सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर थे वो या तो महादलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उनको घर के बाहर पढ़ा करके 3-4 साल के बाद स्कूल तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा काम किया गया, टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक। और इस तरह की स्थिति आई कि 1% से भी कम हो गया। अब कहने के लिए तो लोग जो चाहे वो कहे भाई, कहने के लिए तो जिसको मर्जी आवे उतना कहता रहे, काम जो हो रहा उसको भूल जा रहे हैं। और कल तो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी शिक्षा के बारे में कल बता दिया कि पहले कौन सा स्कूल चल रहा था, फिर क्या हुआ,
तो ये सब बता चुके हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ये उसके अतिरिक्त जो बातें हैं, और जान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, जो फर्टिलिटी रेट है आपको बता दिया 4.3 से 3.2 पर आया है, लेकिन जब हम मानव विकास मिशन हम लोग बनाए और 5 पॉइंट पर लोगों की सहायता करने के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने स्थिति का आकलन किया और उस स्थिति के आकलन के मुताबिक आप लोग सदन में थे। अध्यक्ष महोदय, यह इनको भी हड़ताल पर रहना चाहिए, हड़ताल पर इनको भी रहना चाहिए। आइए सदन में हड़ताल पर अभी जाइए, बोल ही रहे थे, जा रहे हैं तो शांति से जाइए ना। अरे जा रहे हैं तो अभी 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 रहिएगा, हड़ताल पर नहीं जाइएगा तो पूरा हड़ताल पर हम लंबा बात कह देंगे। हमको नहीं मालूम है कितना मिनट लगेगा, इसलिए अच्छा हड़ताले पर चले जाइए, नहीं तो कितना सुनिएगा मेरा। आप तो जा ही रहे हैं। हम लोगों ने जब इस फर्टिलिटी रेट के बारे में आकलन किया, हम सब जगह बताते रहते हैं, जो उसके बारे में सर्वे कराया गया, साहब ये पता चला कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर में भी उस तरह के परिवार का प्रजनन दर औसत 2 है, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां का भी प्रजनन दर 2 है उस परिवार का, और उस तरह से इंटर पास लड़कियों का, पति पत्नी में अगर इंटर पास है पत्नी, तो देश भर का जो सर्वेक्षण के बाद जो रिपोर्ट आई वो आया 1.7, और बिहार में अगर वैसा परिवार पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है तो यहां आया प्रजनन दर 1.6। ये मेरे लिए तो यूरेका की स्थिति हो गई, और उसी समय हमने तय किया कि हम अपने यहां के बिहार की हर लड़की को 12वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे, और इसके लिए हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करेंगे। अभी जान लीजिए 6000 तक का जो भी होना है बहुत हो चुका है, अब जो बचा हुआ है उन सभी पंचायतों में इसी साल, ये है फरवरी, और अप्रैल महीने से वहां उच्च माध्यमिक विद्यालय का काम शुरू होगा, 9वें की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी, और उसके लिए सारा काम हो रहा है। 450 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड करने के लिए, ताकि 2-2 कमरा बन जाए, लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बन जाए, उसके लिए और जो सुविधाएं होती हैं वो सब किया जाए, ये सारा काम हो जाएगा। तो पूरे तौर पर ये सब काम है, और शिक्षा के विकास के लिए आपको मालूम है कि बांका में उन्नयन योजना की शुरुआत की गई, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो उन्नयन बांका कार्यक्रम था, 9th और 10th क्लास के लिए स्मार्ट वर्क कक्ष स्थापित कर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा था, हम भी देखने गए और हम देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। वो तो 2 सब्जेक्ट का कर रहा था, हमने कहा 2 नहीं, पूरे 5 सब्जेक्ट का करो, और पूरे 5 सब्जेक्ट का उसने करना शुरू किया, और उसके बाद कहा कि ये पूरे बिहार के लिए उन्नयन कार्यक्रम शुरू हो गया। अब पूरे बिहार में हम लोगों ने यह उन्नयन कार्यक्रम शुरू करवा दिया, और अब स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है 38 जिलों में। 5 सितंबर से, जो आप जानते हैं शिक्षक दिवस, 5 सितंबर 2019 से पूरे बिहार में यह उन्नयन स्कीम हम लोगों ने चालू कर दिया, उन्नयन बिहार स्कीम, और 5 विषयों में अध्यापन का काम इसमें कराया जा रहा है। और इसके अलावा अब हमने एक सुझाव और दिया है कि ये जो सबसे खतरनाक और गंदी चीज जो दुनिया में आई है वो है पोर्न साइट। गंदा चीज लोग देख रहे हैं आजकल, मोबाइल का इतना यूज हो गया है, और इतना घटिया चीज दुनिया भर में चलाता है, जो छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये इसी तरह का चीज लोग देख लेता है बहुत लोग, और उसके चलते हाँ, तो उसको जाना चाहिए, वो अलग बात है। अरे भाई, यहां का MLA तो नहीं ना कोई देखता है? अरे वो तो आप बोलिएगा।
अरे बोलिएगा, ये अरे हम तो सलाह दे रहे, हमारा सलाह तो सुनिए, नहीं हमारा सलाह सुनिए, पर साइट पर उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है। और आप जान लीजिए, ये जो उन्नयन बिहार स्कीम है जिसमें 5 विषय के लिए हम लोगों ने शुरू किया है, अब उसके साथ साथ हमने एडवाइस किया है उन लोगों को कि बच्चे बच्चियों को इसके बारे में ट्रेनिंग दो और पॉर्न साइट कोई नहीं देखे, उस पर नहीं जाए, इसका भी उसमें अवेयरनेस लाने का प्रयास हम लोग करेंगे, ताकि आज जो कई प्रकार बैन तो लगाने के लिए लिखा है, ये तो सारी बात है और बैन लगाने की बात हम बराबर कह रहे हैं, एकदम बैन होना चाहिए। तो इसलिए तो हर प्रकार से हम लोगों ने ये सब काम प्रारंभ करवाया है, प्रारंभ कर रहे हैं। और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आप जानते हैं कि जिस तरह से हर तरह से छात्रावास अनुदान से लेकर के सब तरह से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, पहले 25 करोड़ किए थे, अब बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया, स्वरोजगार हेतु 14,353 अल्पसंख्यक लाभुकों को ऋण का वितरण किया गया है। और इस वर्ष, इस साल 1,802 लाभुकों के बीच 36,97,00,000 रुपए का वितरण किया जा चुका है। और मदरसों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत की गई है और इसमें काम भी शुरू कर दिया, 16 मदरसों का भी चयन हो गया, कई मदरसों में निर्माण कार्य शुरू हो गया। और विभाग के द्वारा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से राज्य के 1,700 बस्तानियां 8वें स्तर के मदरसों में तालीमे नौबालिगान पाठ्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा। इसके अंतर्गत 4,000 शिक्षकों, 2,000 प्रधान मौलवियों को प्रशिक्षित तथा 200 मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना। इसमें मदरसों में शिक्षा के स्तर में सुधारात्मक सुधार होगा और इस योजना पर राज्य सरकार 20 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण करने के लिए बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, और अब तक वक्फ का 4 आ गया है, काम शुरू हो रहा। तो इस तरह से अल्पसंख्यक, अब राज्य हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण, उसके लिए जमीन लिया जा रहा है, दरभंगा में तो हम शुरू करा के काम चले आए। और इस प्रकार से कभी एक चीज और जान लीजिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मैट्रिक कम मिन्स योजना अंतर्गत, जो केंद्र का अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को, तो केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निर्धारित कोटा जो है 37,962, उससे जितने बच जाते हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से ये हम लोग निर्धारित कर रहे हैं। तो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, 2019-20 में 25 करोड़ रुपए का बजट का उपबंध किया गया, अनेक 31,441 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कई प्रकार से काम, 2018-19 में 40,047 छात्र छात्राओं पर राज्य सरकार द्वारा खर्च किया गया। तो किसी भी समुदाय के लोगों के लिए, हर समुदाय के लोगों की एक एक बात ही हमने कहा, पूरा बात कहेंगे बहुत समय चाहिए, हर समाज के हर तबके के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अब जल जीवन हरियाली अभियान, अब बताइए जल जीवन हरियाली, दोनों सदन के माननीय सदस्यों की संयुक्त बैठक जो माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने बुलाया 13 जुलाई 2019 को, और उसके बाद ये तय हुआ, अब हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, 11 सूत्री कार्यक्रम और सब कुछ करके कई काम किया जा रहा। हम खाली आपको एक अद्यतन स्थिति बता देना चाहते हैं, जिला स्तर पर निरीक्षण में चिन्हित कुल 97,246 सार्वजनिक जल संचय संरचनाओं, यानी तालाब पोखर आइन आहर पाइन ये सब, 20,448 अतिक्रमित संरचनाएं हैं, अतिक्रमित हैं, उसमें से 14,308 अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, शेष 6,140 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले
21,470 तालाबों में से 981 तालाबों में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किए गए, 142 तालाबों में जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले 28,109 तालाबों में से 6,014 तालाबों में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया गया, 2,621 तालाबों में जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो रहा है। मेरा कर्तव्य है कि जो काम हो रहा है हम आपको बता दें। ध्यान रखिएगा कितना तेजी से काम किया, पूरा यात्रा करके, हर जगह स्थिति देख करके, और अब इस पर काम भी प्रारंभ हो गया। तो कुल 19,223 आहरों में से 4,786 में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया गया, आहर का भी 2,281 आहरों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो गया। कुल 28,444 पैनों में 7,058 में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हो गया और 3,566 का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो गया। मेरा ड्यूटी हम आपको बता दें, और कोई गरीब गुरबा तबका का व्यक्ति जो हम लोग पोखर तालाब ये सब पर अगल बगल में अगर बसा हुआ उसको कुछ नहीं है, उसको जो अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं तो उनको घर बनाने के लिए भी पैसा देंगे और जमीन खरीदने के लिए भी पैसा देंगे, ताकि यह भी हम लोगों ने फैसला किया है। और रूफ टॉप एरिया जो 3,000 वर्ग फीट से अधिक छत क्षेत्रफल वाला है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम है सरकारी भवनों पर, उसका काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। करीब करीब शिक्षा विभाग के द्वारा 4,483 के विरुद्ध 2,081 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पूरा कर दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 560 के विरुद्ध 131 भवनों में यह काम पूर्ण किया गया। अन्य विभागों के द्वारा 6,610 भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। शेष भवनों में अगले 2 वित्तीय वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 19-20 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 600 से अधिक पौधशालाओं में 5 करोड़ से अधिक पौधों को तैयार किया जा रहा है। पहले पौधा भी बाहर से लाना पड़ता था, अब तय है कि हम लोग बिहार में ही पौधा भी तैयार करेंगे और वृक्षारोपण उसी का करेंगे। तो ये काम 5 करोड़ से अधिक पौधों को तैयार किया जा रहा है। और बिहार पृथ्वी दिवस जो 9 अगस्त को होगा, यानी 9 अगस्त 2020 को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक दिन में बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त 2020 को 2,51,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखेंगे। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं काम करते हैं भाई, सबका तैयारी करते हैं, आपको बता दिया। और इस अभियान के अंतर्गत आप जान लीजिए सरकारी और अभियान की सी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 218 सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रारंभ कर दी गई। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा है, तो इसके लिए काम शुरू कर दिया है। जो 11 कंपोनेंट है उसका 10वां यही है और 11वां अभियान का है निरंतर। और अभियान में तय कर दिया कि अब एक बार ही नहीं मानव श्रृंखला 5,16,00,000 से ज्यादा लोग, बल्कि यह तय कर दिया कि हर महीने के पहले मंगलवार के दिन 1 घंटा तक पर्यावरण पर चर्चा सभी स्कूल कॉलेज सारे कार्यालयों में लोग करेंगे और एक एक विषय पर। और जो नया हो रहा है इस बार सौर ऊर्जा पर चर्चा सब जगह करेंगे। और जो सतत जागरूकता के लिए यही हमने कहा कि और इसमें इसके अंतर्गत जो करेंगे मंगलवार को, इस योजना के अंतर्गत जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित बिंदुओं पर परिचर्चा, जितने हमारे कंपोनेंट हैं 10, इस पर चर्चा, यानी जल का, कृषि का, हरियाली का, सौर ऊर्जा का, इससे संबंधित जितने सब कुछ है पर्यावरण से संबंधित, इस पर परिचर्चा होगी, संगोष्ठी करेंगे, निबंध लेखन, लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि इस पर कुछ लिखिए। और भाई मुझे तो इतनी खुशी होती है जब हम कभी स्कूल में गए अपने यात्रा के दौरान तब देखा, और अभी हम गए मौलाना आजाद साहब के नाम पर जो उर्दू विश्वविद्यालय है
उसका दरभंगा में जो सेंटर है वहां गए, वहां हमने देखा दर्जनों बच्चे बच्चियों को किस तरह से पर्यावरण के बारे में उन लोगों ने सोचा है और क्या क्या डिमोन्स्ट्रेट किया। इतना सुंदर लगा कि साहब अगर ये बात हुई नई पीढ़ी के मन में, ये बात पर्यावरण का आएगा तभी जीवन संरक्षित होगा। और इसलिए उसमें जो हमने देखा इतना सुंदर ढंग से काम किया कि निबंध लेखन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, सरकारी विद्यालयों के बच्चों को जल स्रोतों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बच्चों को विजिट भी कराया जाएगा कि चलो कोई नदी को दिखाएंगे, कोई तालाब को दिखाएंगे, कहीं आहर पाइन है उसको दिखाएंगे, यानी बच्चियों को पूरा कॉन्शस करने के लिए। तो हर मंगलवार को, पहले मंगलवार को एक घंटा इसी पर हम लोग लगाएंगे, यानी जो 11वां आइटम है अभियान, वो सिर्फ एक बार मानव श्रृंखला के लिए नहीं बल्कि ये सदैव और निरंतर चलता रहेगा ताकि इसमें कॉन्शसनेस लोगों को आए। और एक बात हम ठीक है अब हम खत्मे कर देते हैं, कहिए हम बैठ जाएं, एक 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 दो तीन मिनट कहिए। नहीं चलिए एक ही चीज हम कह देते हैं कि किसानों को की आमदनी बढ़ाने के लिए एक पहल की जा रही है। दिनांक 19 फरवरी 2020 को हमने एक मीटिंग की राज्य के विभिन्न, और इसके बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी। एक वित्त मंत्री के रूप में जो विभिन्न तबकों के साथ बजट तैयार करने के पूर्व जो चर्चा करते हैं, तो कृषि से संबंधित उन तबकों से इनकी बातचीत हुई। मुझको इन्होंने सूचित किया कि इस पर हम सबों को सोचना चाहिए। हमने कहा जरूर ये अच्छी बात है। 19 फरवरी को उन लोगों की बैठक हमने बुलाई। विभिन्न फसलों, उद्यानिक फसल, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जैविक खेती, मौसम के अनुकूल कृषि करने वाले कृषकों के साथ बैठक हुई और उनकी समस्याओं और सुझाव को सुना। यह बैठक बहुत ही प्रभावी और उपयोगी रहा है। और एक निर्णय जो हम लोग कर रहे हैं कि जो राज्य औद्योगिक नीति 2016 है, इसमें हम लोग कुछ संशोधन कर रहे हैं, उसका कुछ विस्तार कर रहे हैं, उसमें भी कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का, एग्रो प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन क्षेत्र को शामिल करने हेतु कार्रवाई करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो हर तरह से किसी भी चीज को काफी पूरे ढंग से काम किया जा रहा है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे। वैसे तो और बहुत सारा विषय है, अगर जो अब चले गए तीनों, अब वो तीनों रहते समय खत्म हो गया, तो भाई अगर आपको सिद्दीकी साहब, अगर आपकी इच्छा कि हम बैठ जाए तो हमको क्या दिक्कत है, कहिएगा कि बोलते रहिए तो बोलते रहेंगे, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन और विषय पर भी चर्चा होती, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चर्चा होगी, अनेकों बार चर्चा होगी। तो मैं पुनः यही कहूंगा कि हम लोगों की पूरी प्रतिबद्धता है समाज की सेवा में, समाज के हर तबके के उत्थान में, बिहार के हर इलाके के विकास में, न्याय के साथ विकास की प्रतिबद्धता है। और यह काम पूरी श्रद्धा के साथ हम इस काम को हम सब लोग करते रहते हैं। और इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि भाई जो महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसके लिए उनको हम सब धन्यवाद ज्ञापित करें। यही निवेदन करते हुए, आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना इसके लिए धन्यवाद, लेकिन कुछ उस पर गौर भी कीजिएगा, वो बहुत अच्छा होगा, सबके हक में है, सबके हित में है। हमने कोई राजनैतिक रूप से किसी बात को नहीं रखा है, हमने इसको व्यावहारिक तौर पर और समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कुछ भी हम लोगों की सरकार के द्वारा किया जा रहा उसमें क्या प्रोग्रेस है उसकी हमने एक हद तक आपको जानकारी दी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए हम यही आग्रह करेंगे कि हम सब लोग सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करें।